बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वी वर वर्किंग ऑन द ट्रांसमिशन मीडिया सिंस लास्ट टू लेक्चर्स। सो इफ़ आई गिव यू अ क्विक रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर, तो हमने उसमें बेसिकली देखा था वायर्ड मीडिया, उसकी बेसिक डेफिनेशन देखी थी, एंड देन वी लुक्ड इनटू द डिटेल्स ऑफ डिफरेंट वायर्ड ट्रांसमिशन मीडियम्स which includes parallel conductors, then we had the twisted pair cable, and then we had subcategories of twisted pair cable jinme humne STP aur UTP dono dekhe the. After that we had coaxial cable, and after coaxial cable we had the optical fiber cable. Iske alawa humne different factors dekhe the based on which hum different kism ke transmission medium ko choose kar sakte hain. और इन अदर वर्ड वी लुक एट डिफरेंट फैक्टर दैट शुड बी कंसिडर्ड वाई यू आर गोइंग टू चूज सर्टन टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया। कल हमने इंट्रो लिया था वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया का, सो अगर मैं उसका भी एक शॉर्ट सा रिव्यू दूँ और उस पर एडवांटेजेस को मैं थोड़ा सा दोबारा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूँगा। वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया इज़ बेसिकली योर एयर इंटरफेस, जो बेसिकली हम एयर में जो जितनी भी ट्रांसमिशन हम कर रहे हैं वो सारी की सारी वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया के अंदर इसके लिए आ रही हैं। तो इन प्रिंसिपल हमारे पास जो एयर है या जो हमारे पास फ्री स्पेस है डैट इज़ बेसिकली द सेम ट्रांसमिशन मीडिया। तो इन प्रिंसिपल वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया एक ही है जो बेसिकली हम ओवर द एयर ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं। तो इसकी डिटेल में हम देखेंगे कि हम कौन सी टेक्नोलॉजीज और कौन से स्टैंडर्ड्स यूज़ करते हैं फॉर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। तो इस पर्सपेक्टिव से हम वायरलेस ट्रांसमिशन सिस्टम्स में यूज़ होने वाले डिफरेंट स्टैंडर्ड्स देखेंगे, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज देखेंगे। इससे पहले हमने ये देखा था कि वायर्ड मीडिया के अंदर जितने पैरामीटर्स हैं कुछ हद तक वो आपके कंट्रोल में होते हैं, क्योंकि एक फ़िज़िकल बाउंड्री या फिज़िकल कन्फाइनमेंट आपके मीडिया की होती है। तो उस पर्सपेक्टिव से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सर्टन पैरामीटर या सर्टन बिहेवियर आपका वायर्ड मीडिया किस तरीके से परफॉर्म करेगा। बट इफ़ यू टॉक अबाउट द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, द वेरी बिग चैलेंज और यू कैन से अ वेरी बिग हर्डल इन कम्युनिकेशन इज व्हेन यू आर यूजिंग द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज़ ससेप्टेबल टू रेन एज वेल एज एटमोसफेयरिक वेरिएशंस। और उसके अलावा हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल टॉल बिल्डिंग आ जाएंगी आपके पास, कई जगहों पर टेरेन में ऐसे मसले मसाले आ जाएंगे, नॉइज़ आ जाएगा, क्योंकि आपके पास एक ओपन इन्वायरमेंट है। वायर्ड मीडिया में तो ये कि आपने जब किसी भी केबल पे अपनी जब ट्रांसमिशन की है तो वो एक फ़िज़िकल कन्फाइनमेंट के अंदर है, तो इस पर्सपेक्टिव से उसके अंदर अगर नॉइज़ और बाकी इंटरफेरेंसेस भी आएंगी तो एज़ कम्पेयर टू वायरलेस ट्रांसमिशन वो कम होंगी। उसकी वजह है कि जो फ़िज़िकल कन्फाइनमेंट है, जो इंसुलेशन आपने उस ट्रांसमिशन मीडियम में यूज़ किया है, वो काफ़ी हद तक आपको नॉइज़ और इंटरफेरेंस से कर देती है, दूर कर देती है। लेकिन When we talk about the wireless transmission, तो उसमें हमारे पास चूँकि हमने एक सिग्नल को ओवर द एयर ट्रांसमिट कर दिया और उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, तो अब हमारे जो फिज़िकल स्पेस या फिज़िकल एयर के अंदर बेसिकली जो जितने भी फिज़िकल प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे के सारे आपके सिग्नल को अफेक्ट करेंगे, एंड देर इज़ नो वे यू कैन स्टॉप दोज प्रोसेसेस इन द एयर। सो इस पर्सपेक्टिव से वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया बहुत प्रॉमिसिंग भी है, यूज़ भी होता है एक्सटेंसिवली, लेकिन वायरलेस ट्रांसमिशन इज़ अ बिग चैलेंज। तो हम ये जो देखते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन हो रही है, माइक्रोवेव कम्युनिकेशन हो रही है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन हो रही है, और जितनी भी वायरलेस कम्युनिकेशन हो रही है, इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स और बहुत से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जेन में रख के सिस्टम को डिज़ाइन किया जाता है। तो इस परस्पेक्टिव से अगर मैं कंपेरेटिव लेवल पर बात करूँ तो वायर ट्रांसमिशन मीडिया इज़ ईजी टू हैंडल एज़ कम्पेयर टू योर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। बट अगेन अगर आप एफर्ट पुट कर रहे हैं तो उसके लिए आपके एडवांटेजेस अच्छे खासे हैं। तो सबसे मेजर एडवांटेज जो आपका है दैट इज़ योर मोबिलिटी। सो इसमें अगर आप देखें तो जितने भी आपके वायर ट्रांसमिशन मीडिया जो अभी के हैं प्रेजेंट वर्ल्ड में जो एग्जिस्ट करते हैं या जो पास्ट वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते थे, उनमें जितने भी जो आपके कह लें वायर्ड मीडिया यूज़ हो रहा है उसकी फिज़िकल अप्रोच या फिज़िकल अवेलेबिलिटी की वजह से आपको एक सर्टन फिज़िकल या फिर सर्टन ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर कन्फाइन होना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर आप लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम की बात करें तो लैंडलाइन टेलीफोन सिस्टम में यू नीड टू गो टू अ सर्टन पॉइंट जहाँ पे आपका टेलीफोन सेट पड़ा हुआ है, उसके साथ वायर कनेक्टेड है, और अगर आप वायर
के पर्सपेक्टिव से मूवमेंट देख भी लें तो एक लिमिटेड मूवमेंट आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसमें फ्रीली मूव अराउंड नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू अब रिसेंट सिचुएशन अगर आप देखें विच इज़ योर सेल फोन स्पेशली योर लैपटॉप्स एंड डब्ल्यू लैंड टेक्नोलॉजी, तो आपके पास ओवरऑल जितनी भी ये जो वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया है वो आपको ये देता है, लेवरेज देता है कि यू कैन मूव अराउंड। तो आप मतलब अपने घर में बैठ के सेल फोन पे बात कर सकते हैं, व्हेन यू आर ऑन योर वे यू आर ट्रैवलिंग इन अ कार यू आर ट्रैवलिंग ऑन फुट और एनी सिचुएशन जो आपके पास है उसमें आपके पास मोबिलिटी का एडवांटेज बहुत है। दूसरा एडवांटेज था हमारे पास एक्सेसिबिलिटी टू डिफ़िकल्ट टेरेन। तो कल भी मैंने ये डिटेल में बताया था कि इफ़ वी आर हैविंग डिफ़िकल्ट टेरेन सच एज माउंटेनस एरिया जहाँ पे हमने कोई कम्युनिकेशन सिस्टम डेवलप करना है, सो फॉर दैट कम्युनिकेशन सिस्टम टू डेवलप वी हैव टू ऑप्शन, वन इज़ अ वायर्ड ऑप्शन, द अदर वन इज़ वायरलेस ट्रांसमिशन ऑप्शन। सो इफ़ यू आर गोइंग फॉर अ वायर्ड ट्रांसमिशन मीडिया देन डेफिनेटली यू ईदर नीड टू ले दैट केबल अंडरग्राउंड और यू नीड टू हैंग इट ओवर द पोल्स। और माउंटेनस एरिया में स्पेशली ऐसे एरिया में जहाँ पे ज़मीन पथरीली होती है या आपको प्रॉपरली उसका वे निकालने के लिए प्रॉपर कोई सपोर्ट्स अवेलेबल नहीं होती, तो इस पर्सपेक्टिव से ये दोनों ऑप्शन कि हम केबल अंडरग्राउंड ले कर दें या उसको हम ओवर द पोल सस्पेंड करके ले दें, ये दोनों ऑप्शन प्रैक्टिकल तो शायद हो सकते हैं लेकिन इतने आसान नहीं होंगे एज़ कम्पेयर टू वायरलेस मीडिया। तो वायरलेस मीडिया में हमें करना ये पड़ेगा कि सिंपल ट्रांसमीटर रिसीवर लगा देंगे एंड देन वी आर डन, उसके लिए पैरामीटर्स ट्यून कर देंगे और उसके सर्टेन एटमॉस्फेरिक कंडीशंस का और जो एयर में आपके डिफरेंट फिजिकल प्रोसेस हैं उसके मुताबिक आप अपने सिस्टम को ट्यून कर देंगे तो आपका सिस्टम काम करना शुरू कर देगा। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो डिफ़िकल्ट टेरेन में आप जहाँ पे आप वायर नहीं बिछा सकते इट इज़ नॉट पॉसिबल, और अगर पॉसिबल है भी तो फाइनेंशियली इतना एक्सपेंसिव है कि इससे बेहतर है कि आप वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया यूज़ कर लें, तो वहाँ पर हम वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम को यूज़ करते हैं। देन वी हैव गॉट द रिडक्शन इन केबल लेइंग एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। अगेन जब आप केबल ले नहीं कर रहे, आप इक्विपमेंट नहीं लगा रहे, तो डेफिनेटली आप लेबर भी बचा रहे हैं, आप वो इक्विपमेंट भी बचा रहे हैं और आप उस केबल की कॉस्ट भी बचा रहे हैं। देन यू हैव गॉट अनदर एडवांटेज दैट इज़ रिडक्शन इन द राइट ऑफ द वे कॉस्ट। राइट ऑफ द वे कॉस्ट इज बेसिकली व्हेन यू आर ट्राइंग टू ले द केबल और यू वॉन्ट टू हैव योर केबल फिक्स्ड ओवर द पोल्स, आप उसको सस्पेंड करके लेके जाएँ तो डेफिनेटली आपको पोल को इरेक्ट करने के लिए भी कोई ना कोई जगह चाहिए, और अगर केबल ले कर रहे हैं तो आपको ज़मीन खोद के डेफिनेटली उसके अंदर प्रॉपरली इंस्टॉल करनी पड़ेगी केबल। तो इस पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से देखें, तो आपकी जितनी भी लैंड है वो सारी की सारी गवर्नमेंट या स्टेट ओन नहीं करती इन प्रिंसिपल। तो स्पेशली ऐसे एरियाज़ में इस्लामाबाद की सिचुएशन अगर मैं कहूँ तो डैट इज़ डिफरेंट कि वो प्रॉपरली डेवलप्ड सिटी है, वहाँ पे इन सारी सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से सब चीज़ें प्लान्ड हैं, PTCL की केबल या इलेक्ट्रिसिटी की केबल ये सब चीज़ें प्रॉपर प्लान करके बनाई गई हैं, चूँकि गवर्नमेंट ही उसको मेनटेन कर रही है, डैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन जब आप दूसरे शहरों में जाएँ जो प्रॉपरली प्लान्ड नहीं है और वहाँ पे ओनरशिप ऑफ द लैंड लाइज विद डिफरेंट ओनर्स आम लोगों के पास है, तो इस पर्सपेक्टिव से आप किसी से भी जब बात करेंगे कि मैंने तुम्हारी ज़मीन से फॉर एग्जांपल तार गुजारनी है तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, क्योंकि एवरीबडी इज़ नॉट विलिंग, और जो लोग विलिंग भी होंगे डेफिनेटली दे वुड डिमांड मनी फॉर दैट थिंग। तो इस पर्सपेक्टिव से आप जब केबल बिछा ही नहीं रहे वायरलेस के केस में तो आप राइट ऑफ द वे कॉस्ट को भी रिड्यूस कर देंगे। So moving on to the next slide, बेसिक आइडिया हम देख लेते हैं कि वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में बेस्ड ऑन द डिस्टेंस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। सो इफ़ यू टॉक अबाउट द वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया एंड इट्स कैटेगरीज बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, द वेरी फर्स्ट कैटेगरी इज़ द इनडोर। तो इफ़ यू हैव इनडोर वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया तो डेफिनेटली जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज़ अराउंड 10 to 50 meters एंड द टेक्नोलॉजीज दैट ऑपरेट इन दिस रेंज आर इंफ्रारेड, ब्लूटूथ एंड WLAN। देन वी हैव गॉट द शॉर्ट रेंज आउटडोर एंड द शॉर्ट रेंज आउटडोर जर्नली वर्क्स फ्रॉम 50 to 200 meters एंड WLAN ऑपरेट्स इन दिस कैटेगरी। देन वी हैव गॉट द मिड रेंज आउटडोर दैट ऑपरेट्स somewhere between 200 meters to 5 kilometers
and GSM, CDMA, WiMAX and WLAN point to point works in this. अगर आप एक चीज़ देखें तो ओवरऑल आपके पास सिचुएशन है कि आप इंडोर, शॉर्ट रेंज और मिड रेंज, आउटडोर को बेसिकली जब देख रहे हैं तो WLAN इन तीनों कैटेगरीज में ऑपरेट करता है. इट मीन्स कि आप अगर WLAN को इंडोर भी यूज़ करें, जो कि हम कर रहे हैं, अगर आप देखें अपने लैपटॉप्स पे, अपने मोबाइल फ़ोन पे, तो आप बेसिकली WLAN को यूज़ कर रहे हैं. इसी तरह शॉर्ट रेंज आउटडोर में भी देखें, लेट सपोज आप घर में WLAN या वाईफाई राउटर लगा हुआ है, वो वाईफाई राउटर के सिग्नल इंडोर तो आते ही आते हैं, बट अगर आप अपने घर की एक सर्टन फिजिकल बाउंड्री के अंदर हैं, आउटडोर भी अगर हैं, तो वहाँ पे भी आप सिग्नल कैच करेंगे. इट मीन्स शॉर्ट रेंज आउटडोर में भी WLAN काम करता है. देन वी हैव गॉट WLAN पॉइंट टू पॉइंट इन मिड रेंज आउटडोर. यहाँ पे थोड़ी सी सिचुएशन है कि जब आप मिड रेंज में WLAN को यूज़ करेंगे, जो कि 200 मीटर से 5 किलोमीटर है, तो ये नॉर्मल वाईफाई वाला जो हमारा राउटर है ये काम नहीं करेगा. इसके लिए हमें पॉइंट टू पॉइंट सेटअप करना पड़ता है, जो कि हाईली डायरेक्टेड होता है, जिसकी वजह से आपका WLAN इस सर्टन डिस्टेंस पर काम कर सकता है. देन वी हैव गॉट लॉन्ग रेंज आउटडोर. दैट इज़ बेसिकली कैटेगराइज based on the distance between 5 kilometers and 100 kilometers. So all those technologies that operate within this range are considered as long range outdoor transmission technologies. And in this range generally microwave point to point hamara kaam kar raha hota hai. Then we have got the long distance communications which is basically intercontinental or satellite communication. So overall agar aap dekhe to wireless transmission media ko different categories mein यहाँ पे डिवाइड किया गया है, और उसके लिए सोल क्राइटेरिया जो यूज़ किया गया है दैट इज़ द डिस्टेंस, कि कितना मैक्सिमम डिस्टेंस आपके पास कवर कर सकते हैं. तो इंडोर, शॉर्ट रेंज आउटडोर, मिड रेंज आउटडोर एंड लॉन्ग रेंज आउटडोर एंड लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, दीज आर फ्यू ऑफ द कैटेगराइजेशन ऑफ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया दैट वी फॉलो. सो this is a table that gives you an information on the frequency bands that are used in wireless media. So I do not expect you to remember it by heart or try to learn it, lekin at least you should have an idea ki ye cheez kya hai. So स्पेक्ट्रम में अगर हम देखें तो हमारे पास एक बैंड है दैट इज़ नोन एज VLF और वेरी लो फ्रीक्वेंसी. इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज है 3-30 kHz, और जर्नली जो प्रोपोगेशन है हम ग्राउंड पर ही इसकी करते हैं, और इसकी एप्लीकेशन बेसिकली लॉन्ग रेंज रेडियो प्रोपोगेशन है. देन वी हैव गॉट द लो फ्रीक्वेंसी दैट हैज़ द फ्रीक्वेंसी रेंज फ्रॉम 30-300 kHz, और ये भी प्रोपोगेशन ग्राउंड पर ही होती है, और जर्नली इसकी एप्लीकेशन एरिया रेडियो बी कैन नेविगेशनल लोकेटर्स. देन वी हैव गॉट द मीडियम फ्रीक्वेंसी रेंज दैट इज़ 300 kHz और 3 MHz, और जनरली ये जो आपकी ट्रांसमिशन है, ये ट्रांसमिशन आपके पास स्काई में आप कर सकते हैं. बेसिकली AM रेडियो के परस्पेक्टिव से आप देखते हैं इस रेंज में आप बेसिकली ट्रांसमिट कर रहे हैं. देन वी हैव गॉट द हाई फ्रीक्वेंसी 3-30 MHz, और ये भी अगेन स्काई में आप ट्रांसमिशन कर रहे हैं, उसमें सिटीजन बैंड और शिप एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन बेसिकली की जाती है. देन वी हैव गॉट द VHF दैट ऑपरेट्स इन 300-300 MHz, और स्काई एंड लाइन ऑफ साइट बेसिकली हम कम्युनिकेट करते हैं. तो VHF TV भी एक यूज़ होता है, उसके अलावा FM रेडियो भी बेसिकली आपके पास यूज़ होता है. जनरली आप देखें तो FM रेडियो आपका जो यूज़ हो रहा है अभी भी दैट इज़ 100 MHz, उसमें जो स्टैंडर्ड आपका जो FM का बैंड है वो आ जाता है आपके पास. देन वी हैव गॉट UHF दैट इज़ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 300 MHz-3 GHz, और ये लाइन ऑफ साइट ऑपरेट करता है, विच मीन्स आपको एक डायरेक्टेड एंटेना चाहिए होगा ट्रांसमीटर पे, और डायरेक्टेड एंटेना चाहिए होगा रिसीवर पे, और दोनों के दोनों पॉइंट कर रहे होंगे टूवर्ड्स ईच अदर, तो अगर ये लाइन ऑफ साइट होगा तो ही ये चीज़ ऑपरेट करेगी. इसमें UHF TV आ जाता है, सेलुलर फ़ोन आ सकते हैं, पेजिंग चैनल आ जाते हैं, और सेटेलाइट आ जाती हैं. देन वी हैव गॉट SHF दैट इज़ सुपर हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज़ फ्रॉम 3-30 GHz, अगेन ये भी लाइन ऑफ साइट पे ऑपरेट करती है, और इस बैंड में जनरली हम सेटेलाइट कम्युनिकेशन करते हैं. एंड देन वी हैव गॉट एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी दैट इज 30-300 GHz, ये भी लाइन ऑफ साइट पर ही ऑपरेट करती है, और ये लॉन्ग रेंज रेडियो नेविगेशन के लिए यूज़ होती है. सो अगेन इस टेबल का मकसद सिर्फ ये था कि दैट यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ हाउ द फ्रीक्वेंसी बैंड्स आर डिवाइडेड व्हेन यू टॉक अबाउट द वायरलेस ट्रांसमिशन चैनल्स. उसमें डिफरेंट रेंजेस हैं, डिफरेंट प्रोपोगेशन के सिचुएशन हैं, और उसमें डिफरेंट एप्लीकेशन डिपेंडिंग अपॉन कि आप किस फ्रीक्वेंसी रेंज और किस प्रोपोगेशन में किस परस्पेक्टिव से आप लेके चलना चाहते हैं.
So again, I would remind you, I do not want you to remember all these figures and tables by heart, but at least you should have a feeling of it, that what are different type of spectrums that are being, or what are different type of frequency band that are being used in wireless transmission. Okay ji, as I have told you earlier कि हम बेसिकली देखेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम में सिर्फ वो टेक्नोलॉजीज देखेंगे जो यूज़ होती हैं वायरलेस कम्युनिकेशन में. सो स्टार्टिंग ऑफ विद वेरी बेसिक एंड द मोस्ट प्रिमिटिव वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, दैट इज़ इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. सो इफ़ यू रिमेंबर बिफोर वी स्विच टू दीज स्मार्टफोन एंड दिस थिंग, हमारे पास पुराने फ़ोन्स में ऑप्शन आता था वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन का, डेटा ट्रांसफ़र का, वो बेसिकली इंफ्रारेड पे काम कर रहा होता था. सो इफ़ यू रिमेंबर, इफ़ एनी वन ऑफ यू हैव हैड एक्सपीरियंस दिस थिंग, हम जर्नली कई दफ़ा पुराने फ़ोन्स में जब डेटा ट्रांसफ़र करते थे तो हमें उसको एक सर्टन क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रखना पड़ता था और हमने उसको पॉइंट करके एक दूसरे की तरफ रखना पड़ता था. दैट इज़ बेसिकली इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. इसके अलावा भी अगर आप देखें तो इफ़ यू रिमेंबर व्हेन थिंग्स स्टार्टेड टू डेवलप इन द डोमेन ऑफ आईटी, और जब कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह इवॉल्व होने शुरू हुए थे, तो वहाँ पे भी एक जो बड़ी कॉमन एप्लीकेशन डैट वी सॉ इन आर इन द पास्ट इज वायरलेस कीबोर्ड एंड वायरलेस माउस. उस जमाने में अगर आप बात करें आज से 10 से 15 साल पहले पीछे चले जाएँ, तो इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज़ होती थी फॉर कम्युनिकेटिंग बिटवीन द सीपीयू, द प्रोसेसर एंड योर कीबोर्ड और माउस. लेकिन उसमें डाउनसाइड इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का ये था कि इट हैज़ टू बी अ डायरेक्टेड कम्युनिकेशन, विच मींस कि अगर आपके पास लाइन ऑफ साइट सिचुएशन नहीं है तो आप इसको नहीं इस्तेमाल कर सकते. तो इस पर्सपेक्टिव से आपके पास इंफ्रारेड कम्युनिकेशन बेसिकली होती है. और अगर आप इसके अलावा एप्लीकेशन देखना चाहें आजकल के ज़माने में, तो आपके पास टीवी के रिमोट्स में बेसिकली इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है. देन यू हैव गॉट द रिमोट फॉर एयर कंडीशनिंग. कई कैमराज में, पुराने कैमराज में इंफ्रारेड यूज़ होती थी. तो इस पर्सपेक्टिव से आपके पास डिफरेंट टाइप की इंफ्रारेड कम्युनिकेशन यूज़ हो रही है. आपके लिए टास्क ये है इसमें कि आपने इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का फ्रीक्वेंसी बैंड पता करना है, कि जो इंफ्रारेड डिवाइसेज हैं वो किस फ्रीक्वेंसी बैंड में ऑपरेट कर रही होती हैं. देन वी हैव गॉट अनदर टेक्नोलॉजी डेट ऑपरेट्स वायरलेसली, दैट इज द ब्लूटूथ. सो ब्लूटूथ अगर आप देखें तो ब्लूटूथ इज़ बेसिकली एन एडवांस्ड वर्जन और एडवांस रिप्लेसमेंट ऑफ इंफ्रारेड कम्युनिकेशन. सो फोन्स में अब आपके पास ब्लूटूथ कम्युनिकेशन अवेलेबल है. सो एज यू हैव सीन इन डिफरेंट फोन्स, आपके पास ब्लूटूथ के डिफरेंट वर्जन अवेलेबल हैं. तो ब्लूटूथ 1.0 है, 2.0 है, 3.0 है, 4.0 एंड 5.0. तो बेसिकली हर जो आपके पास वर्जन है वो बेसिकली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को एड्रेस करता है. कुछ एनहांसमेंट आती हैं बेस्ड ऑन कि पुरानी डिवाइस से, पुराने स्टैंडर्ड्स में क्या मसले मसाइल थे और किस तरीके से वो ऑपरेट करती थी, तो उनको इन्हेंस करने के लिए बेसिकली आप डिफरेंट वर्जन यूज़ करते हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसीज दैट वी यूज़ इन द ब्लूटूथ, दीज आर बेसिकली 2.402 GHz to 2.842 GHz. तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसीज हैं इन ब्लूटूथ वो बेसिकली 2.4 GHz के आसपास ऑपरेट करती. तो इट इज़ बेसिकली, सॉरी आई मे हैव मिस कोटेड, 2.402 to 2.480 GHz पे आपका ब्लूटूथ ऑपरेट करता है. और आप देखें तो आजकल आपके सेलफोन्स में, आपके लैपटॉप्स में, इन सब जगहों पे आपके पास ब्लूटूथ अवेलेबल है. तो अगर आप ब्लूटूथ को देखें तो प्रीवियसली अगर इसकी हिस्ट्री देखें तो IEEE ने इसको टेकअप किया था. SIG बेसिकली स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप था जिसने ब्लूटूथ डेवलप किया था. तो उस बेस पे बाद में ये हुआ था कि IEEE ने इसको टेकअप किया था और इसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड का नाम दिया था, दैट वाज IEEE 802.15.1. लेकिन उसके बाद IEEE ने उसको फर्दर स्टैंडर्डाइज नहीं किया और उसके बाद स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप ही बेसिकली इसकी सारी डेवलपमेंट और इन सब चीज़ों को देख रहा है. तो आपके पास डिफरेंट वर्जन जो आ रहे हैं वो बेसिकली सारे के सारे ब्लूटूथ के, उनमें बेसिकली डेटा रेट एनहांसमेंट हो रही है, नई टेक्नोलॉजी यूज़ करके बेसिकली आप इसको ऑपरेट कर रहे हैं. एक चीज़ यहाँ पे मैं और इम्पॉर्टेंट बात करूँगा, देर इज़ अ बैंड दैट इज़ नोन एज इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक एंड मेडिकल बैंड और ISM बैंड.
ISM बैंड इज बेसिकली अ बैंड जिसमें आप विदाउट एनी लाइसेंसिंग और विदाउट पेइंग एनी प्राइस और विदाउट पेइंग एनी फी फॉर ट्रांसमिशन आप उसमें कोई भी चीज़ ट्रांसमिट कर सकते हैं। मैं शायद एक क्लास में पहले बता चुका हूँ कि ISM बैंड बेसिकली यूज़ होता है इंडस्ट्रियल, साइंटिफिक और मेडिकल पर्पजेस के लिए। तो प्रीवियसली होता यह था कि ये 2.4 से 5.8 GHz का जो एक बैंड था ये बेसिकली रखा गया था एज एन ISM बैंड। लेकिन अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ISM बैंड को इवॉल्व किया जा रहा है, तो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी रेंजेस में आपने डिफरेंट किस्म के फ्रीक्वेंसी एलोकेशन हो रही है कि आपके पास डिफरेंट बैंड में थोड़ा थोड़ा पोर्शन रखा गया है ISM बैंड में। तो ISM बैंड में ब्लूटूथ जो बेसिकली है आपका दैट ऑपरेट्स इन ISM बैंड। Then we have got the wireless local area network or WLAN. WLAN में अगर आप देखें तो हम जो घरों में simple Wi-Fi use कर रहे हैं वो basically WLAN ही कहलाता है। So if you go for the technical name of WLAN, it is basically IEEE 802.11 or 802.11 generally ये use होता है। तो आपको कोई भी ये कहे कि जी IEEE 802.11 या 802.11 यूज़ करें तो इट इज़ सिंपली द वाईफाई और WLAN दैट यू आर यूजिंग इन योर होम्स। और इसमें बेसिकली आप देखें तो डिफरेंट वर्जन है यहाँ पे WLAN के। जो सबसे पहला वर्जन है दैट वाज IEEE 802.11a था। फिर उसके बाद जो सेकंड वर्जन है दैट वाज बी। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट चीज़ें डेवलप होती गई और अभी जो करंटली अगर आप देखें तो IEEE 802.11a, b, g, n ये चार बेसिकली स्टैंडर्ड जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, n बीइंग द लेटेस्ट। और अगर आप देखें तो n का डेटा रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू a, b, and g। तो आप अगर आपके पास चार वर्जन हैं IEEE की 802.11 के a, b, g, और n, उसमें n का डेटा रेट सबसे ज़्यादा होगा। तो थ्रेटिकली स्पीकिंग डेटा रेट फॉर WLAN कोड भी 54 मेगाबिट्स पर सेकेंड, बट दिस इज़ अ थ्रेटिकल डेटा रेट। प्रैक्टिकल डेटा रेट कभी भी आपका इतना नहीं अचीव हो सकता। तो इस परस्पेक्टिव से WLAN में जो चीज़ें थ्रेटिकली गिवन है वो प्रैक्टिकली शायद अचीवेबल नहीं है, लेकिन एटलीस्ट सिचुएशन काफ़ी बेहतर है। आजकल जो हम देख रहे हैं जनरली आप देखें तो आप घरों में लेट सपोज आपने 10 मेगाबिट पर सेकेंड का LAN कनेक्शन अगर लगवाया हुआ है PTCL का या किसी भी और ब्रॉडबैंड कंपनी का, तो अगर आप वो WLAN के साथ कनेक्ट करेंगे तो वो 10 मेगाबिट पर सेकंड पूरा आपको वहाँ पे भी नहीं मिल रहा होगा, वहाँ पे भी कम मिल रहा होगा। तो व्हाट यू कैन डू इज जस्ट टू चेक कि आपके पास बिट रेट क्या आ रहा है, आपके पास एग्जैक्ट स्पीड क्या आ रही है इंटरनेट की। जो जैज वाले भी क्लेम करते हैं कई दफ़ा कि आप ऊकला इज़ एन ऐप जिस पर आप बेसिकली चेक करते हैं अपने इंटरनेट की स्पीड को, तो आप ऊकला के थ्रू चेक कर सकते हैं कि आपके पास प्रैक्टिकली कितनी स्पीड आ रही है। तो इस परस्पेक्टिव से अगर आप देखें तो यू कैन चेक कि 10 मेगाबिट पर सेकंड का अगर आपके पास कनेक्शन है तो एक्चुअल स्पीड आपके पास कितनी आ रही होगी। फिर उसके लिए ये डेफिनेटली ज़रूरी है कि अगर आप WLAN के साथ कनेक्टेड हैं और एक से ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्टेड हैं तो आपको बेसिकली एक सिंगल डिवाइस पे ये चीज़ चेक करनी होगी, विच मीन्स कि आप WLAN के साथ कनेक्ट हो सिर्फ एक सिंगल डिवाइस पे बेसिकली आप ऊकला का टेस्ट अगर परफॉर्म करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास स्पीड क्या आ रही है। एक चीज़ और जो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल पर्पजेस से कि अगर आप इस तरह कोई टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, लेट से आपके घर में जो WLAN लगा हुआ है, जो वाईफाई लगा हुआ है, उसके साथ लेट सपोज 3 या 4 डिवाइसेस और कनेक्टेड हैं जो कि काम कर रही हैं, उस वक्त अगर आप स्पीड टेस्ट करेंगे तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट, क्योंकि उस वक्त बाकी सारी डिवाइसेस पे कोई ना कोई कनेक्शन हुआ हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ स्पीड जा रही है। तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ स्पीड दैट इज़ मच लोअर देन एक्चुअल स्पीड, क्योंकि चार डिवाइसेस शेयर कर रही हैं आपके रिसोर्सेज को। तो इसके लिए जब आप करेंगे किसी भी किस्म का स्पीड चेक तो उसके लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप आइसोलेटेड एक ही डिवाइस के ऊपर उस सारे ट्रैफिक को मॉनिटर करके उसकी अपलोड और डाउनलोड स्पीड चेक करते हैं। तो अगर आप जनरली चेक करें 3G या 4G अपना जो आपके पास सिम है उसके अंदर मोबाइल में अगर आपकी यूज़ हो रही है तो आप ऊकला की ऐप अगर इंस्टॉल करके देखेंगे तो उसमें आप अगर चेक करेंगे तो डैट वुड बी द फिट टेस्ट कि उसमें सिर्फ आपकी डिवाइस जो है, जो आपका मोबाइल फ़ोन है, वो सिर्फ कम्युनिकेट कर रहा है एज स्टैंड लोन डिवाइस, वो किसी और को इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहा, वो रिसोर्सेज शेयर नहीं कर रहा, तो वो जो रिज़ल्ट आएगा डैट वुड बी द एक्चुअल रिज़ल्ट। तो आप WLAN के साथ भी ये सारे काम कर सकते हैं।
अगेन आपने जो अगला टास्क करना है वो यही है कि डब्ल्यू लैन की भी ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी है। देन वी हैव गॉट द माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जो कि वायरलेस कम्युनिकेशन में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। सो आई वुड लाइक टू गो बैक टू द GSM सिस्टम। अगर आप देखें अपनी आजकल जो हम फ़ोन टावर्स की बात करते हैं, सो इफ़ यू हैव एवर लुक क्लोजली तो आपके जितने सेल फोन टावर्स हैं यू हैव गॉट टू टाइप्स ऑफ एंटेना ओवर दैम। वन वुड बी लॉन्ग एंटेनाज, वर्टिकल एंटेनाज होंगे, लॉन्ग वर्टिकल एंटेनाज, एंड द अदर वन वुड बी राउंड डिश टाइप एंटेना। तो आपके पास एक राउंड एंटेना है और एक है आपके पास कॉलम एंटेना जो वर्टिकल है। तो इसमें जो आपके फ़ोन के साथ जो कम्युनिकेट कर रहा होता है एंटेना, दैट इज़ योर लॉन्ग और लॉन्गिट्यूडनल एंटेना, जो बेसिकली वर्टिकल एंटेना है आपके पास, वो कम्युनिकेट कर रहा होता है। और जो आपके पास सर्कुलर एंटेना लगे होते हैं डिश टाइप, वो बेसिकली कम्युनिकेट कर रहे होते हैं फ्रॉम वन टावर टू अनदर टावर। वो कम्युनिकेशन जो हो रही है वो बेसिकली माइक्रोवेव कम्युनिकेशन है। उसकी वजह यह है कि आपका फ़ोन से कनेक्शन भी ज़रूरी है, आपके फ़ोन का टावर से कनेक्शन भी ज़रूरी है, BTS से कनेक्शन ज़रूरी है, लेकिन BTS ने भी तो डेफिनेटली आपकी ट्रैफिक को राउट कर रहे हैं। तो वो ट्रैफिक राउट करने के लिए जनरली दो तरीके होते हैं, एक माइक्रोवेव लिंक हो सकता है और दूसरा एक आपके पास बैकबोन होती है, पूरी फाइबर ऑप्टिकल बैकबोन जो हाई स्पीड केबल है आपके पास, जिस पे डेटा रेट अच्छा खासा ज़्यादा होता है और फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होती है वहाँ पे। तो आपके जितने भी ये BTS बेसिकली जो मोबाइल फ़ोन टावर है उनका एक टेक्निकल नाम है BTS बेस्ड ट्रांसमिशन सिस्टम, उसमें BTS जो यूज़ हो रहा है उसके अंदर तीन तरह के कनेक्शन है। एक वो कनेक्शन है जो आपके फ़ोन का टावर से हो रहा है या BTS से हो रहा है, दूसरा वो कनेक्शन है जो फाइबर ऑप्टिकल बैकबोन का एक टावर से दूसरे टावर और लोकल एक्सचेंज के साथ जा रहा है, और तीसरा जो कम्युनिकेशन लिंक है वो बेसिकली माइक्रोवेव कम्युनिकेशन लिंक है जिसके थ्रू BTS आपस में कम्युनिकेट करते हैं। तो आपके पास जो टावर्स पे राउंड एंटेनाज लगे हुए हैं, दीज राउंड एंटेनाज आर बेसिकली योर माइक्रोवेव कम्युनिकेशन। तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन जनरली जब भी की जाती है आप देखेंगे ये पॉइंटेड एंटेनाज होंगे और पॉइंट टू पॉइंट बेसिकली कम्युनिकेशन हो रही होगी, विच मीन्स कि लाइन ऑफ साइट में होंगे। जब हम लाइन ऑफ साइट की बात करते हैं इट मीन्स बोथ एंटेनाज शुड बी फेसिंग ईच अदर और इन दे शुड सी ईच अदर। तो अगर हम फिजिकल टर्म में बात करें तो इफ़ इट्स जस्ट लाइक अगर आपके एंटेना की आंखें होती तो दोनों एंटेनाज को वन टू वन आंखें चार करनी पड़ती। तो इस पर्सपेक्टिव से आप देखें तो अगर मैं थोड़ी सी इजी टर्म यूज़ करूँ, योर एंटेना शुड बी लुकिंग टूवर्ड्स ईच अदर इन केस ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन जिसको हम बेसिकली कहते हैं। तो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन के लिए आपके दोनों एंटेनाज हाईली डायरेक्टेड होते हैं और डायरेक्टेड टूवर्ड्स ईच अदर होते हैं। देन वी हैव गॉट द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। सो सैटेलाइट कम्युनिकेशन का अगेन बैंड हमने ऊपर देख लिया पूरी टेबल में कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन किन जगहों पर यूज़ हो रहा है। एक्सट्रीमली हाई फ्रीक्वेंसी में हम बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन और बहुत से डिफरेंट बैंड्स हैं आपके पास। तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जो एक्सपर्ट्स हैं वो डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन बैंड यूज़ हो रहे होते हैं, कुछ के बैंड्स हैं और कुछ इसी तरह और डिफरेंट बैंड्स अवेलेबल हैं आपकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन में। तो जनरली अगर आप देखें तो सैटेलाइट कम्युनिकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो इफ़ यू आर गोइंग टू कवर द होल अर्थ यू नीड टू हैव मिनिमम 3 सैटेलाइट्स। तो अगर तीनों सैटेलाइट हैं और टोटल 360 डिग्रीज हमारे पास, तो 120 डिग्री जो है वो एक सैटेलाइट का एंगल ऑफ व्यू होना चाहिए कि 120 डिग्रीज पे जितनी भी सिचुएशन आ रही है सबको ऑब्जर्व कर सके। तो मिनिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट टू कवर द होल अर्थ इज 3, लेकिन जनरली 3 यूज़ नहीं किए जाते, ज़्यादा ही यूज़ किए जाते हैं क्योंकि 3 पे अगर आप देखें तो ओवरऑल सिचुएशन मतलब डिपेंड करता है कि उसके ऊपर अब इक्विपमेंट कैसा लगा हुआ है, विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके पास चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं तो आप सिंगल सैटेलाइट्स पे भी मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। फिर सैटेलाइट कम्युनिकेशन में आप देखें तो आपके पास दो तरह की सैटेलाइट्स की डिफरेंशिएशन है या कैटेगराइजेशन है। वन इज़ द कमर्शियल सैटेलाइट जो बेसिकली आपके टेलीफोन जो सैटेलाइट टेलीफोन के लिए यूज़ हो रही है, जो आपके सैटेलाइट टीवी के लिए यूज़ हो रहा है, इसके अलावा और इस तरह की जो कमर्शियल एप्लीकेशन में यूज़ हो रहा है वो सारे के सारे बेसिकली आपकी कमर्शियल या कॉरपोरेट सेक्टर की तरफ से सैटेलाइट ऑन की जाती हैं।
दूसरा एक और जो बहुत बड़ी कैटेगराइजेशन है दैट इज़ बेसिकली स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स हैं। सो स्ट्रेटेजिक सैटेलाइट्स और बहुत सी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन में यूज़ होता है और उनका जो ऑपरेशन है दैट इज़ प्योरली क्लासिफाइड और एक लिमिटेड सिचुएशन में होता है और आपकी एक सर्टन एंटिटी उनको कंट्रोल कर रही होती है, जनरली गवर्नमेंट्स या मिलिट्री उनको कंट्रोल कर रही होती है। सैटेलाइट कम्युनिकेशन में एक चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट मैंने पहले भी शायद आपको बताई है कि जब हम चैनल मॉडलिंग करते हैं इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन वी जनरली मॉडल द चैनल एज एडिटिव वाइड गॉशियन चैनल। उसकी वजह यह है कि आपके पास जो एडिटिव वाइड गॉशियन नॉइज है वो बेसिकली परफेक्ट डिपिक्शन है आपके जो सोलर सिस्टम और इस इंटरगैलेक्टिक कम्युनिकेशन है उसकी। तो जो आपकी स्पेस में बेसिकली टाइप ऑफ नॉइज मौजूद होता है दैट इज़ परफेक्टली डिपिक्टेड और मॉडल बाय एडिटिव वाइड गॉशियन नॉइज। तो इस पर्सपेक्टिव से ये भी एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है जनरली सैटेलाइट कम्युनिकेशन में जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स आर बेसिकली दो सैटेलाइट्स विच आर स्टेशनरी एज कंपेयर टू योर अर्थ, विच मींस के स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ एंड स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट आर एग्जैक्टली द सेम। सो इट मींस इफ़ यू हैव अ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट लुकिंग ओवर पाकिस्तान एट सर्टेन पॉइंट तो वो चीज़ फिक्स रहेगी। रिलेटिव पोजिशन अगर आप देखें अर्थ की और सैटेलाइट की तो वो दोनों रिलेटिवली एक दूसरे के साथ एक ही पोजिशन पर रहेंगी। तो वी कॉल सच सैटेलाइट एज जियोस्टेशनरी सैटेलाइट। तो अगर जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है उसके लिए सिंपल एक कंडीशन है कि आपकी जो स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ सैटेलाइट है या स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट है दैट शुड बी इक्वल टू स्पीड ऑफ रोटेशन और स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ योर अर्थ।